ये अब दूसरी फैक्ट्री आए हैं। पनीर कहाँ दिखाओ, खोल के दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा तोड़ लूँ। तोड़ लो। क्या है? पनीर, पनीर। किससे बनाते हो दूध पनीर को? पनीर किस चीज से बनाते हो? पानी से बनता है। पानी से पनीर बनता है? पानी से पनीर। बर्फ। ये क्या चीज है भाई जी? गर्म तो नहीं ज्यादा है क्या ये? पानी बता रहे हैं, वो देखना वो क्या है। पानी थोड़ी है, तेल है ये। पानी बता रहे हैं पीछे चलो भाई साहब। आओ जी भाई जी। मक्खियों का देखो हाल बुरा। हाँ जी खान साहब, ये फिर वही पाम ऑयल रिफाइंड, बी श्योर इट्स प्योर। अब आप समझ सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। और ये इस केमिकल का नहीं बता रहे, ये है क्या चीज़, ये केमिकल नहीं समझ में आ रहा। ये हर जगह है, ये केमिकल हर, ये किस चीज़ का है? ये क्या है खान साहब, ये क्या चीज़ है? पानी में से निकल रहा है जो ऊपर आवे जो गंद रहे पानी की। अच्छा उसका है ये? हाँ, पानी की। तो रखा क्यों हुआ है ये संभाल के? कहाँ रखा हुआ है? वो रखा उसमें एक डब्बा उठा लेना, वो ले थोड़ा सा पड़ा उसमें से निकाल ले, ले, ले एक डब्बा। हाँ ये ही रहा ना, ये सब जगह। क्या भाई ये क्या, ये क्या है? उठाइए डिब्बा, उठाइए ये वाला, उठा बीच वाला। हम सब रिफाइंड से क्या करते हो आप? ये देखिए अच्छा नहीं, पनीर से क्या होता है रिफाइंड से, मतलब कैसे बनाते हो रिफाइंड के साथ? क्रीम की जगह दे रहे हैं क्या? अच्छा किसकी जगह? क्रीम की जगह क्या? चाड़ का पनीर मांगे तो पानी के अंदर रिफाइंड बना के, पानी ना रहे दूध में रहे। अच्छा दूध में मिला देते हैं, दूध में रिफाइंड मिला देते हैं। अच्छा अच्छा कहाँ कहाँ जाता है ये? हल्का रिफाइंड से, हल्का पनीर से क्या मतलब है आपका? हल्का कैसा पनीर मतलब? हल्का कैसा होता है? जैसे रेट का पनीर मांगेगा भाई। अच्छा अब किस किस रेट का पनीर आप बेचते हैं? अच्छा हमारे पास 240 का, मतलब अगर अगर कम रेट का पनीर चाहिए तो पाम ऑयल से बनाते हैं। फर्क कैसे पता लगे अगर दोनों में से? देखो हम आपके सैंपल भरे हैं रोज। अच्छा वो देख के बता लेते हैं। हमें तो पानी में छोड़ रहा हूँ, तुम बना रहे हो टैंकर भर के तो। कितना पनीर जाता है हर रोज यहाँ से? कम ज्यादा 7-8 किलो। कितने किलो? 700-800। 700-800 किलो आपके यहाँ से जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है, फरीदाबाद भी जाता है, गुड़गांव फरीदाबाद निशीदा दिल्ली। कितना दूध आता है ये क्या है भाई? इसमें भाई जी खोलियो, क्या है ये? पंकज आराम तक गर्म है क्या है?
ये क्या है? ये क्या भाई? हैं? गरम पानी। अरे गरम पानी इसे तीन क्यों गिर रखे? पिघलाने के लिए। खाली है? खाली ना भरी है ये गरम। पिघला रहे उन्हें। अच्छा। जम गया है तो पिघला रहे है ना? कितना कितना लोग का पानी बना लेते हैं? जहर खा रहे हैं आप। आपको याद होगा साल पहले मैंने 27 सैंपल चेक करवाए थे जिनमें से 26 फेल पाए गए थे। यार ये तो चिपट क्या रहा है? ये है क्या चीज़ है? ये गड़बड़ है भाई, सब कुछ हर जगह है यार। ये इसमें पानी जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये? उसमें क्या है? इसमें क्या है? हैं? इसमें क्या है? हटी भाई। दूध तो नहीं रहा मुझे, कबूतर। ये भी तो बुझू आ रहा है। ये क्या पड़ता है इधर? ये क्या हो रहा है ना? हाँ जी। पुल वाली। खोलियों से क्या चीज़ है? निकाल पैकेट है किसमें से? इसमें डालते हो? हाँ जी, इसमें डालते हो? ये दूध में डालते हो? क्या है ये? इससे लाल नहीं बनती है पनीर, सफेद आ जाता है। अच्छा, मुरारी लाल रंग वाले ले जा। ले पूरा ले ले, सारे पैकेट ले ले। ले ले एक ले ले जी, एक ना पूरे रह गए। वो छोड़ यार, ये भी थोड़ी मान लेंगे हम सारी। बस 3-4 पैकेट ले लो। पंकज एक काम करी, इसे थोड़ा सा जिसमें कम हो ना डिब्बा ही ले ले, गाड़ी में रख ले ये डिब्बा। मैं एक ले ले, कम हो जिसमें, कम हो जिसमें, वो देख ले। उबल जाता है तो लाल हो जाता है। ये दूध को सफेद करने के लिए है। निखारी खोलियो से एक बार। अच्छा ये, हाँ भाई सफेद करने के लिए है ये दूध को, सफेद करने के लिए रंग। कितने दूध में पैकेट डलता है ये? कितना? अच्छा चीज़ रख ले, दो पैकेट ले ले इसमें से। भैया ले लो ना एक दो पैकेट यार। एक सैंपल ले लो ना। यहाँ पे बदबू इतनी है कि खड़ा होना भारी है। अगर आप अब भी पनीर खाते हो मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये क्या है? खत्म हो गई। उसमें क्या था? टीन में क्या था? वो जो वो तो डीजल ना है, डीजल कैन है, जनरेटर। कितना बड़ा डीजल कैन? लो जी खाओ पनीर, बनाओ से। मक्खियाँ देख रहे हैं ऊपर आप। चलो क्वालिटी तो देखी जाएगी।
लेकिन खेल तो उसके बाद शुरू होता है जो केमिकल डाला जा रहा है। यहाँ पे गया है, इस रंग को डाल के सफेद बनाया जा रहा है। फुलवाड़ी गार्डन गर्ल। और ये देखिए आप, जो मेरे हाथ पे लगाए उतर भी नहीं रहा अभी तक, ये क्या केमिकल है। चलो फिर चलते हैं दूसरी फैक्ट्री पे। 700 किलो का दावा कर रहे हैं ये कि हर रोज़ पनीर भेजते हैं ये दिल्ली फरीदाबाद में। फिर मिलते हैं।